नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गाय की देसी नस्ल के बारे में बात किया था, जिसमें हमने गाय की देसी नस्ल के अंतर्गत तीन नस्लें, जैसे कि दूध देने वाली नस्लें, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें और भारवाही नस्लें। दोहरे उद्देश्य मतलब दोस्तों, जो भार ढोने के लिए और दूध देने के लिए दोनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, उसे दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें कहते हैं। तो इसको देखा था और इससे रिलेटेड कुछ, तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ देखे थे। आगे इस वीडियो में हम आज देखते हैं कि गाय की देसी नस्ल तो हो गया, अब गाय की विदेशी नस्ल भी है, उसे देखते हैं। तो दोस्तों, गाय की विदेशी नस्ल में हमारे पास आ गया है, तो दोस्तों गाय की विदेशी नस्ल में हमारा पहला है ब्राउन स्विस, जर्सी, रेड डेन और होलिस्टीन फ्रीजियन। दोस्तों, ये होलिस्टीन फ्रीजियन जो है विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्लों में से माना जाता है। आगे गाय की कुछ संकर नस्लें हैं जो कि दो नस्लों को मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि पहला देखते हैं कर्न स्विस। तो दोस्तों कर्न, तो पहला जो नस्ल है हमारा कर्न स्विस, तो दोस्त कर्न स्विस जो है ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से बनाया गया है। और दूसरा देखते हैं कर्न फ्रिज, जो होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से मिलकर बनाया गया है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, आप इस बात को नोट कर लो, या फिर अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो। और दोस्तों अगर आपने हमारे नोट्स ले रखा है, नोट्स से स्टडी करो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मार्क करके रखो या फिर ऐसा कहीं नोट करके रखो। आगे देखते हैं, दोनों नस्लें NDRI करनाल द्वारा विकसित किया गया है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल द्वारा जो है दोनों नस्लों को विकसित किया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं भैंस की नस्ल के अंतर्गत, तो दोस्तों गाय की नस्ल के बाद हम भैंस की नस्ल देखेंगे, जिसमें हमारा मुर्रा हो गया, भदावरी, जफराबादी, नीली रावी, सुरती, मेहसाना और नागपुरी। ये दोस्तों हमारे भैंस का जो है प्रसिद्ध नस्ल है हमारे भारत का। अगर आपसे CGPAD में पूछा जाएगा कि मुर्रा किसकी नस्ल है, तो उस टाइम दोस्तों आपका याद रखना पड़ेगा कि ये मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है, भदावरी भैंस की नस्ल है, जफराबादी भैंस की नस्ल है, इस तरह का बाकी जो का जो ऑप्शन है ये भी भैंस की नस्ल है। आगे देखते हैं बकरी की नस्ल। तो दोस्तों गाय के बारे में आपको देसी नस्ल, विदेशी नस्ल और संकर नस्ल, बाकी भैंस के नस्ल में आपको बस ये जो आपका 7 नस्ल है इसे बस आप याद करके रखो, भैंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर जो हमारा नेक्स्ट है बकरी की नस्ल। दोस्तों अगर आपने हमारा नोट्स और PDF ले रखा है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप हमारा नोट्स से स्टडी कर सकते हो नोट्स में। आगे देखते हैं दोस्तों देसी बकरी की नस्ल। तो दोस्तों यहाँ पे हिमालय पहाड़ी क्षेत्र की नस्ल, तो हमारा पहला हो गया कश्मीरी, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इन नस्ल में पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, जिसे कश्मीरी शॉल बनाया जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग किया था कि पश्मीना का संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका संबंध हमारा कश्मीरी है, कश्मीरी से है। कश्मीरी का संबंध जो है बकरी से, मतलब दोस्तों कश्मीरी और पश्मीना दोनों का संबंध हमारा बकरी से है। आगे दो नंबर देखते हैं गद्दी। दोस्तों ये जो है बकरी की नस्ल का नाम है, कश्मीरी बकरी अंगोरा। जो गद्दी जो हिमालय प्रदेश में पाई जाती है, इसके बकरे माल ढोने के लिए काम आते हैं। दोस्तों गद्दी जो है माल वाहक के लिए काम आते हैं, माल ढोते हैं और ये हिमालय प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा अंगोरा, यह नस्ल से मोहाल जो प्राप्त होती है, कौन सी नस्ल से, अंगोरा नस्ल से। आगे देखते हैं शुष्क उत्तरी क्षेत्र की नस्लें, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश सूखा क्षेत्र का नस्लें, तो हमारा पहला हो जाएगा जमुनापारी, दूसरा बीटल, तीसरा बारबरी। दोस्तों ये नस्ल आप आराम से या तो स्क्रीनशॉट कर ले या फिर दोस्तों कहीं नोट कर ले। केंद्रीय क्षेत्र की नस्ल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की जो नस्लें हैं वो हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CGPAD कंप्लीट नोट्स PDF के लिए व्हाट्सअप करें लिखा गया है, 9644 हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है। आगे देखते हैं यहाँ पे मारवाड़ी हो गया, सिरोही हो गया, मेहसाना, जलावादी, बेरारी, कठियावादी और जखराना जो है हमारा कहाँ का नस्ल है, तो एक केंद्रीय क्षेत्र की नस्ल है, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की नस्ल है। आगे देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र की नस्ल। तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र की नस्लें कौन कौन सी है, तो सुरती हो गया है, उस्मानबादी हो गया और मालवाड़ी हो गया, जो है दक्षिण क्षेत्र की नस्ल है। बाकी पूर्वी क्षेत्र की नस्ल जो है बंगाल और गुंजन है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा CGPAD में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके भी हैं, जैसे कि दोस्तों पूछ दिया जाएगा जमुनापारी किसकी नस्ल है, बीटल किसकी नस्ल है, बारबरी कहाँ की नस्ल है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसे स्टडी करोगे तभी आप इसका राइट आंसर कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं भेड़ की नस्ल, की भेड़ की नस्ल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दोस्तों देसी भेड़ की नस्ल जो है चोकला हो गया, मगरा हो गया, नाली हो गया, पुंगल हो गया, मारवाड़ी हो गया, जैसलमेरी, मालपुरा, सोनाडी, ये जो हमारे देसी भेड़ की नस्ल है। और विदेशी भेड़ की नस्ल में देखते हैं मेरिनो हो गया है, डोरसेट हो गया है, कोरिडेल हो गया और सफोक्स हो गया। और संकर भेड़ की नस्ल दोस्तों दो
भेड़ को आपस में क्रश करके बनाया गया है। जैसे हिसार डेल को बीकानेरी और मेरिनो के क्रश से बनाया गया है। अविकावस्त्र इसे रेबुलेट और चोकला के क्रश से बनाया गया है। अविकालीन इसे मालपुरा और मेरिनो के क्रश से बनाया गया है। बाकी दोस्तों ऊँट की नस्लें कुछ देख लीजिए, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी जो है ऊँट की नस्ल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विश्वास पे। और दोस्तों अगर आपको CGPAT का कंप्लीट नोट्स PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे पास CGPAT का कंप्लीट नोट्स PDF बनाया गया है। आप इसे लेके घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करके आराम से CGPAT में कंप्लीट अच्छे रैंक से सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विश्वास पे।